हेलो दोस्तों, माइंड इज़ यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने अपना फ़ोन लॉक कर लिया है और तभी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, फ़ोन लॉक हो गया है, बहुत ही परेशान है, इवन आपका डेटा भी आपको बचाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो को देख के आप परेशान हो गए हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने ओप्पो के किसी भी मॉडल के स्मार्टफोन को, जी हाँ दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ ये ओप्पो A5 में काम करेगा, K10 में काम करेगा, रेनो में काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन हो, आप इस वीडियो को देख के अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना है ये, मैं ये नहीं कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं, आपको करना ये है कि अपने स्मार्टफोन को जैसे भी पोजीशन में है आपको ऑफ़ करना है या फिर रीस्टार्ट कर लेना है, ऑफ़ करके ऑन कर लेना है। ठीक है, चलिए, ऑफ़ करके ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा होगा, शो हो रहा होगा कि पासवर्ड रिक्वायर्ड विन फ़ोन रीस्टार्ट। चाहे वो अपने पिन लगाया हो, पैटर्न लगाया हो, पासवर्ड लगाया हो, आपके फ़ोन में सिर्फ यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा जी, कि पासवर्ड रिक्वायर्ड विन फ़ोन रीस्टार्ट, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे फ़ोन को अनलॉक किया जाता है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे नीचे में हमारे फ़ोन में एमरजेंसी SOS आपको दिखा रहा है। हो सकता है आपके फ़ोन में एमरजेंसी SOS ना दिखाए, आपके फ़ोन में यहाँ पे एमरजेंसी कॉल का ऑप्शन भी दिखा सकता है। तो एमरजेंसी कॉल या फिर एमरजेंसी SOS, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। अगर ये चीज़ आपको दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है, एमरजेंसी SOS या फिर एमरजेंसी कॉल। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आप मतलब कि सक्सेस हो जाइएगा अनलॉक करने में। लेकिन कहीं अगर आप अपना माइंड लगा के कुछ इधर उधर कर लीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ पर डायलर पैड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेम इसी डायलर पैड के ऑप्शन में यहाँ पर स्टार हैज़ 899, ये ध्यान से देखिए, स्टार हैज़ 899 और हैज़ दबाना है। सिंपल था जो मेथड है, ये सर्विस सेंटर वाले भी यूज़ करते हैं और इसी तरीके से आपके फ़ोन को वो अनलॉक करते हैं, बट डेटा डिलीट कर देते हैं ताकि उन लोगों को लगे कि फ़ोन रीसेट वगैरह हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने, यहाँ पे आफ्टर सेल पेज का ऑप्शन आ रहा है। आपके फ़ोन में इंजीनियर मोड भी आ सकता है, नए वाले फ़ोन में इंजीनियर मोड नहीं होता है, पुराने वाले फ़ोन जो 5G वगैरह में उसमें आफ्टर सेल पेज हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्जन में आप चल जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि एंड्रॉयड वर्जन है तो आपका एंड्रॉयड वर्जन जितना है, जैसे हमारा एंड्रॉयड वर्जन 13 है तो हमें यहाँ पे 13 बार इस एंड्रॉयड वर्जन वाले ऑप्शन के नीचे देखिएगा बेस्ड वर्जन है, ये बेस्ड वर्जन पे आपको उतना टाइम क्लिक करना है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से 14 बार भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड 10 है तो 10+ ही करना है, या ऐसा नहीं है कि 9 कर दीजिएगा, वरना फिर वो एंड्रॉयड 9 में काउंट हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि सर अगर एंड्रॉयड 9 में काउंट हो जाएगा तो अगर 9 है तो 9 टाइम ही क्लिक करेंगे, अगर 10 में काउंट हो गया तो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपका OS वहाँ पे क्या है वो डिटेक्ट हो रहा है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी OS है आप 13 बार ही कीजिए। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप 13 बार ही कीजिए, एंड्रॉयड 12 है तो 12 बार कीजिए। ठीक है, ये आपके फ़ोन के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही इस ऑप्शन को आप कर लिए तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फैक्ट्री वर्जन का, इसी फैक्ट्री वर्जन को हम रीसेट करने के लिए एक बार इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करके इस ऑप्शन से बैक हो जाइएगा। ठीक है, बैक होते ही आपको नीचे जो है मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा हो तो मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में आप चल जाइएगा, ये देखिए सबसे लास्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा रीड राइट इम्पोर्ट लॉक टेस्ट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम इसको कैंसिल कीजिएगा और सेकंड टाइम क्लिक करके ओके कीजिएगा। ओके करते ही यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन अगर आ रहा है तो समझिए आपका फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो हमारे यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक चल जाएंगे। ये देखिए हम जो है आफ्टर सेल पेज वाले ऑप्शन के पास हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहीं पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन, आप मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे फिर से चल जाइएगा और ठीक स्वाइप अप करके आपको चल जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे। बस इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और जितने भी सेंसर है सभी को स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर कोई एक सेंसर आपका पास हो जाता है तो आपका काम बन जाएगा। हमारा एक सेंसर यहाँ पे फेल है और दूसरा पास है, इट मीन्स कि हमारा फ़ोन अनलॉक हो सकता है। बैक पे क्लिक करेंगे। अगर आपका फेल हो जा रहा है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर से उसी ऑप्शन में हम चलेंगे, अदर्स वाले में फिर से रीड राइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट टाइम कैंसिल और सेकेंड टाइम क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा रॉन्ग पासवर्ड आ गया है, इट मीन्स कि हमारा फ़ोन अब अनलॉक हो सकता है। नीचे यहाँ पे बैक वाला ऑप्शन है, इसको दबाएंगे 1, 2, बैक वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, इसको आप क्लोज करेंगे एंड देन आप वापस से होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। कोई भी लॉक स्क्रीन यहाँ पे नहीं आएगा और आपका फ़ोन देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। जितने भी ऐप्स वगैरह थे सब के सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। गैलरी पर अगर क्लिक करें तो सभी फोटोग्राफ्स हमारे यहाँ पे सेव हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इसको ट्राई कीजिए। और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।